घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो ठीक है। सारे बउआ यहाँ सुनते रहो, नमस्ते अंकिल मैं बोल रहा हूँ। हेलो अच्छा तुमचा जुड़ता तारा बदलती तारा कटकती तारा सुड़की ना आप वाला जो वो था एक ताई तलक ताई ताई तलक। अरे फोन तो बनी है ताई, बहुत तेज आवाज आ रही है। हेलो कौन बोल रहा हूँ? भाई साहब मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नव युवक। कौन बउआ बैरागी बोल रहे हो? मेरे को छाती में अखबार रख लो, हवा नहीं लगेगी, सर्दी आ रही है। हाँ भाई साहब एक सेकंड रुकिए, कह रहे थे कि दुनिया में सबसे ज्यादा रंग कौन से होते हैं भाई साहब? दो रंग काला और गोरा। भाई साहब काला और गोरा यानी सफेद और ब्लैक। हाँ। लेकिन आपने मेट्रो देखी है, मेट्रो की लाइनें? मेट्रो की लाइन हाँ देखी है, येलो कलर की। येलो होती है और कौन सी होती है? और मेरे को नहीं मालूम। ब्लू होती है, रेड होती है, वायलेट होती है, नीली होती है, सब होती है। लेकिन काला और गोरा नहीं होती भाई साहब, नो व्हाइट नो ब्लैक। तो तुम चाहते क्या हो? इसी पे चाहते हैं चर्चा चाहते हैं। बैरागी जी अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे। आप जैसे प्रतिनिधि अगर जनता की तरफ से कोई सवाल पूछना चाहे भाई साहब आईना दिखाइए। अच्छा। समाज में कुछ अपनी बैरागी जी क्या कारण है इसका? देखिए रंगों का अपना महत्व होता है, रंग बहुत जरूरी भी है। बिना रंगों के देखो कुछ रंग ना हो तो कितना फीका जीव। ठीक है जब घर की रौनक रौनक हमारे साथ। नमस्कार क्या हाल है भैया? नमस्ते भैया कैसे? ओके तुम जा अभी बाद में ही हो। तुम बोल कौन रहे हो? रंग का बताइए, भंग करी उसमें तो देखिए अगर काली रंग तो एक फिल्म भी था कमल सदाना थे उसमें जी। तुझे ना देखूं तो सार कपूर के पापा थे और सारा खान की मम्मी थी। वाह अमृता नदीम श्रवण का म्यूजिक था। हालांकि आज के जमाने ले गए आप, ले गए 90 में ले गए। 100 में वापिस आ जाओ। बोल कौन रहे? दशक में ले गए आप, 100 में वापिस आ जाओ। सॉरी बैरागी जी आप बताइए रंग। देखिए अगर काली मेट्रो होगी, काला अक्षर तो भैंस बराबर माना गया, तो अगर भैंस मेट्रो में जाए नहीं जा सकती। अच्छा। तो कितना अजीब लगेगा। हाँ, तो इसलिए काला रंग नहीं थे। लेकिन सफेद क्यों? सफेद रखी नहीं स्वच्छता के चलते, क्योंकि सफेद सफेद रहे उसमें कोई दाग ना है। हाँ, और आप अगर सफेद को लाल पीली करते तो उन्होंने खुद लाल पीला कर दिया। पीली लाइन है जो जाती है अपना हुट्टा सिटी सेंटर, और ब्लू है ब्लू जाती है द्वारका और नोएडा सिटी सेंटर। आपको कहाँ जाना है? मेरे को कहाँ जाना है? तुम जहाँ बैठे हो ना मेरे को वहीं आना है, तुम्हारे ढूंढना है वहाँ। बैरागी जी इनका नाम कैप्चा बदलू हमारे साथ। आप कैप्चा बदलू? लेट कैप्चा बदलू हो गए। आप ही हैं जो डिफेंड IRCTC फोन करने के फोन का गलत आदमी कैप्चा टिकट की बुक कर देता कैप्चा गलत आदमी, इसी के चलते टाइम आउट हो जाता है। इस बार चिट्ठी बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी टॉक्सिका के लुवई नगर में सकरगंदी से नकली वैसलीन बनाकर डिब्बी में भरने वाली लिस्सी उली कहती है। You guys are FC Rocking. But FC Rocking 93.5 FM. बजाते रहो इसे। ना देखूं तो टक टक। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो ठीक है। सारा बउआ यहाँ सुनते रहो, नमस्ते अंकिल मैं बोल रहा हूँ। हेलो नमस्ते अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ। अरे देख फोन का मिला है। हैं? ले तो देख फोन का मिला है। अंकल क्यों बोल रहा है? अंकल सॉरी ब्रो चलेगा? ब्रो ब्रो चलेगा ब्रो। इंसान में वो बात रही नहीं भाई साहब। कौन सी? कोई भी कौन सी? मेरे को तो लगता है रोबोट ज्यादा अच्छा है। कैसे? भाई कम से कम रोबोट का दिल तो नहीं होता। प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम ये है कि दिल आप दोगे तो वो दिल लगाएगा रोबोट। हाँ। दिल लगाएगा, दिल बहलाएगा, फिर दिल टूट जाएगा, फिर मुंह बना के वापस आएगा। और दिल टूटते हैं तो क्या होता भाई साहब? जल्दी बता क्या बात है, टाइम नहीं है मेरे पास भी। नहीं देखिए मोहब्बत हो या डाउनलोडिंग हो अधूरी नहीं रहनी चाहिए। और यहाँ पे दिल टूटा अगर है तो उसको तकलीफ होगी, डिप्रेशन में जाएगा, तो दिल के चक्कर में दिमाग खराब होगा है, फिर वो अपने आप को बिजी रखने के लिए खूब सारी एक्टिविटी करेगा। इतना पोल्यूशन है, इतनी एक्टिविटी करेगा, उसके अंदर धुआं भरेगा, लंग्स खराब होंगे। फिर दिल टूटा है तो वो गम गलत करने के लिए शराब का सहारा लेगा, मैखाने जाएगा, लीवर खराब होगा भाई साहब। तो इंसान बने, इंसान ना रहे, रोबोट रहे दुनिया में? नहीं तो दिल ना रहे भाई साहब। और फिर दिल जब टूटता है तो इंसान अनजानी राहों पे चलते जाते चलते जाते खामखा उसके पैर घिसेंगे, घुटने खराब होंगे भाई साहब। तो इतने सारी नुकसान है दिल के वजह से। एक तो नुकसान तूने बताया नहीं। कौन से नहीं बताया? सारे तो बता दिया मैंने। दिल अगर फालतू काम करेगा, दिल अगर फालतू काम करेगा तो लोग नुकसान होगा तो लोग तोड़ेंगे। नहीं भाई वो नहीं टूटना चाहिए, पता है क्यों? क्योंकि रोबोट का जो सॉकेट है ना वो वहीं लगता है। अच्छा। तो वो टूटेगा तो तकलीफ होगी भाई साहब, इसीलिए अच्छा है दिल नहीं है रोबोट। तो
गलत बोल रहे हैं आप, ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा भाई साहब। 93.5 रेड एफएम बजा दो, इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो ठीक है। सारे बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो अंकिल जी, नमस्ते। मैं नमस्ते, कौन कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। जानता हूँ कि आप मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन कई लोगों को फोन लगा रहा था, उनने फोन काट दिया। अगर आपके पास 2 मिनट का समय हो तो अपना एक कुछ शेयर करना चाह रहा था। हाँ बोल भाई, बोल जल्दी बोल यार, ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो बॉडी है ना, हाँ, वो थोड़ा सा पतला है। अच्छा, मैंने सोचा तो कुछ लेता क्यों नहीं है तू। मैं सुनो तो, मैं तो जाता था जब वजन करने के लिए रेलवे स्टेशन पे खड़ा होता था ना। अच्छा, तो जो वजन की मशीन होती थी, हाँ, उसमें से आवाज आती थी कि बेटा कुछ खा के चढ़ो तो वजन किसका दे। तो सुबह सुबह केले खाया कर रहा तू, केले खाया कर। और उसके लिए फोन ही नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, मैं कर रहा हूँ कि मैं पतला हूँ, तो मैं एक दिन सड़क से जा रहा था, क्योंकि मेरी मम्मी ने कहा था कि जाके सब्जी ले आए। 6 किलो आलू मंगाए थे मुझसे। अच्छा, मैं घसीट घसीट के ला रहा था क्योंकि मैं पतला हूँ, उठा नहीं पाता। अच्छा, फिर मैं ला ही रहा था कि एक सिग्नल के पास से मैं गुजरा तो एक लंबी गाड़ी रेड कलर की, अच्छा, आके खड़ी हो गई। और उसमें से बड़ी ही खूबसूरत लड़की, कैसी लड़की, सुंदर थी, खूबसूरत खूबसूरत, वो उतरी मेरी तरफ देखते हुए। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, मेरे हाथ से झोला छूट गया। वो मुझसे, अच्छा, कहती है एक्सक्यूज मी, क्या आप नजदीक आ सकते हैं? मैं तुरंत पॉकेट में हाथ डाला। लड़की मुझसे कहती है आप मेरी गाड़ी में बैठ सकते हैं। मेरे मन, अच्छा, में लड्डू फूटा। मैं, अच्छा, गाड़ी में बैठा, मुझे अपने बंगले के पास ले गई। बड़ा ही, अच्छा, खूबसूरत बंगला था। अच्छा, बंगले के अंदर नौकर चाकर, मैं सोफे पे बैठा, वहाँ से 2 बच्चों का हाथ पकड़ते हुए लेडीज आई। अच्छा, वो कहती है ये मेरे बच्चे, धड़ाक करके मेरा दिल टूटा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं इनका दूसरा बाप बनने को तैयार हूँ। लेकिन फिर उस लड़की ने क्या कहा पता है? क्या कहा? उसने कहा कि बच्चों ये देखो अंकल को। मैंने कहती थी दूध नहीं पियोगे तो पतले हो जाओगे, ऐसे ही पतले रहोगे दूध नहीं पियोगे तो। ये दिखाने के लिए मेरे को धड़ाक करके मेरा दिल टूटा। बाद में मेरे हाथ में 50 रुपए रख के कहती है बाहर छोले कुलचे खा के वहीं से बस पकड़ के निकल जाना। अब ये सब तू मुझे क्यों बता रहा है? पहले तो मत बोलिए ना। अब एक तो लड़की ने मेरा तोड़ दिया मेरा दिल। अबे तो लड़की ने तेरा दिल तोड़ा तो मैं तेरी तोड़ूंगा वहीं से आगे। गलत बोल रही है, मेरे को असली तकलीफ क्या है पता है? क्या? उस लड़की के चक्कर में जो झोला छोड़ दिए थे 6 किलो आलू थे उसमें। अच्छा, उसमें टमाटर तो नहीं थे ना? नहीं, टमाटर तो नहीं थे। क्योंकि टमाटर वैसे ही बहुत महंगे हैं। बेटा तू भी जोक मार रहा है क्योंकि मैं भी जोक मार रहा हूँ। गरीब तेरे ले गई ठीक है। गंदा मत बोल, फोन रख दे ठीक है। गलत बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बहुआ बोले अंकिल नमस्ते। हेलो अंकिल जी नमस्ते। बेटा कौन? बाप लग रहे हो बेटा, बोल रहे हो? अबे तो कदे तू भी तो अंकल बोल रहा है, अंकल लग रहा तुझे? सॉरी, आप अगर 1 मिनट के लिए फ्री हो तो जल्दी से मैं आपको रख दूंगा फोन, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हाँ बता। मैं कह रहा था आपने गैलीलियो कलासनिको की किताब पढ़ी है? गैलीलियो कलासनिको? नहीं भाई, हमने नहीं पढ़ी। पढ़ोगे भी कैसे, उसने लिखी नहीं है। आपकी आवाज बड़ी धीमे आ रही है। आ जाएगी, तेज भी आ जाएगी बेटे, जैसे तू बात कर रहा है ना। एक आपने जिम टॉरेंट की किताब पढ़ी है? कौन? जिम टॉरेंट? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, उन्होंने लिखी नहीं है। अरे वैसे एक सेकंड, आपने बारबाडोस पठान की किताब पढ़ी है? बारबाडोस पठान? अब मैं बोलूंगा तुझे कि मैंने नहीं पढ़ी, तो बोलेगा उसने भी नहीं लिखी है ना। नहीं, इनने लिखी है। इनकी पढ़ी है आपने? नहीं नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, लिखी थी लेकिन छपवाई नहीं थी। पागल वाले काम कर रहा है। एक सेकंड, आपने अल्बर्ट सत्तू की किताब पढ़ी है? अल्बर्ट सत्तू? अब तो बोल दे उसने भी छपवाई होगी। नहीं नहीं, उनने छपवाई भी थी, लिखी भी थी, छपवाई भी थी। हाँ तो नहीं पढ़ी मैंने। कैसे पढ़ोगे, एक ही कॉपी छपवाई थी, अपने घर पे रखी थी, किसी को दी नहीं। एक सेकंड आखिरी, आपने सनस्क्रीन बैडब्रेथ की किताब पढ़ी है? सनस्क्रीन बैडब्रेथ? नहीं, 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 उनने तो कई सारी कॉपी छपवाई थी।
हाँ तो अपने घर में बांट दी होगी। नहीं नहीं बहुत सारी बाहर भी थी, वो बड़ी है? नहीं बड़ी। कैसे पढ़ोगे, फ्रेंच में लिखी थी ना? अरे एक भाई से सॉरी, एक आखिरी, आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? एलेक्स निरंजन एलेक्स निरंजन ने हिंदी में लिखी थी, छपवाई भी थी, बहुत सारी कॉपी छपवाई थी, धड़ल्ले से बेची थी, हर बुक स्टोर पे, हर ट्रैफिक सिग्नल पर एलेक्स निरंजन की किताबें बिकी थी। क्या आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? अरे नहीं पढ़ी एलेक्स निरंजन के चाचा, नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी। फिर तो क्या, फिर तो आप ही अनपढ़ है ऐसा लग रहा है। आगे डिग्री देख ले, तुम्हें तो फोन इसलिए कर रहा है तू अनपढ़ बताने के लिए। जब से तू बोल रहा था इंजीनियर बना पड़ा बाबरे, तूने एलेक्स निरंजन का किताब नहीं पढ़ा, अब मैं क्या करूँ बता। Oh my God, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, आपको कहीं सिग्नल पे एलेक्स निरंजन की किताब मिले तो जरूर पढ़िएगा। बहुआ बोलो नमस्ते। एक भाई साहब ने टॉपिक देते हुए कहा कि इम्तिहान जो होता है, एग्जाम जो होता है, वो अक्सर टीचर बच्चों का लिया करते, लेकिन यही मौका अगर बच्चों को मिल जाए तो बच्चे किस हद को पार कर सकते हैं, ये बउआ ने टेस्ट किया। कैसे? ये देखो मजी मजी लिए मैंने अंकिल के। हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्ते, कौन जी? बउआ बोल रहा हूँ। क्या काम है बता? दो मिनट होंगे आपके पास? इससे बात कर लिया, पहले बता। जी बोल रहे हैं, मैथ सिखाते हैं आप? गणित? हाँ सिखाता हूँ। बता। पढ़ाते हैं बच्चों को? हाँ बता, पढ़ाता हूँ मैं। और वो पढ़ते भी हैं? तो चाहता क्या है? मैं भी मैथ पढ़ना चाहता हूँ, पापा ने बोला कोई अच्छा टीचर पकड़ ले। तो क्या मैं फोन पे पढ़ा दूँ तेरे को? नहीं फोन पे नहीं, लेकिन उससे पहले कि मैं आपको पापा से मिलाऊं, हाँ हेलो, मैं खुद ये देखना चाहता हूँ कि आप पढ़ाने के लायक हैं या नहीं। ओ नारायण, मेरी पढ़ाने की वो देख रहा है तू है? सुनिए मेरे तीन चार सवाल हैं, अगर आप उसके जवाब दे दे तो मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा कि आपको मैच आती है। अबे गाली तुमने तो काम नहीं। सॉरी अंकिल, गलती से फोन कट गया था। अबे गलती से फोन नहीं कटा था, मैंने काटा। अच्छा सॉरी, कटने का काम कर रहा था। बहुत नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, तीन चार सवाल बता दो ना, पता चल जाएगा मैं ठाती है नहीं आपको। अबे मन मत कर, काय घूम रहा है तू है? सॉरी, आप जवाब दे देते तो बात खत्म हो जाती है। जल्दी सवाल पूछ, मर मत जल्दी। हाँ जल्दी पूछो, मर नहीं, तीन चार सवाल है ठीक है। पहला सवाल, अगर मेरे पास छह टॉफी है, मैंने दो इसको दे दी, तीन उसको दे दी और एक इसको दे दी, तो मेरे पास कितनी बची? मेरे पास तो एक भी नहीं बची। ऐसा नहीं है? फिर कैसा है? मैंने दो टॉफी पैंट में छुपा रखी थी, पॉकेट में, मैंने बताया नहीं। अच्छा अगला सवाल, अगर मेरे पास चार टॉफी है और मेरे क्लास में एक लड़की है श्वेता, मैंने वो चार टॉफी अगर उसको दे दी तो मेरे को क्या मिला? मेरे को मिला नहीं, सच्ची बताइए क्या मिला? मेरे को नहीं मिलेगा ना कुछ भी। कुछ नहीं क्यों, मुझे तो गर्लफ्रेंड मिलेगी। अगला सवाल पूछ रहा हूँ, 80 और 90 कितने होते हैं? 170 होते हैं। बोल। नहीं 170 नहीं, गलत जवाब, 100 होते हैं। 100 कैसे होते हैं? अकड़ बकड़ बम्बे वो 80-90 बूढ़े। 100 तो 170 कैसे? गलत बोल रहा हूँ, अब इसे मारने की बात कर रही है, मैं टीचर नहीं रखूंगा। आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, 2 और 2 5 कैसे होते हैं? अबे मेरे को नहीं पता। मैं बताता हूँ ना, बता। गलती से होते हैं। अबे गलती से तू हो गया। नंबर वन RJ रौनक ने बउआ बन के आज क्या मजे लिए, लॉग ऑन करो redfm.in पर, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो फिर बजाओ। नमस्कार, क्या हाल चाल है? किसी भाई साहब ने मेरे को टॉपिक दिया कि बताओ टीचर अच्छा होता है, डॉक्टर अच्छा होता है या इंजीनियर। मैंने कहा मैं फोन लगा के भाई साहब को यही समझाऊंगा, उनके मजे लूंगा कैसे लिए। हेलो मम्मी, मैं आके बात कर लूंगा ना आपसे। हेलो, 2 मिनट दे दो, मैं अभी आता हूँ, बात करता हूँ, अब चिल्लाऊ मत थोड़ा भी। हेलो, कुछ नहीं होने दूंगा मैं, आपका और पापा का रिश्ता हमेशा अमर सिंह रहे, सॉरी अमर रहे। हेलो, हाँ मम्मी अभी आता हूँ ना मैं। अरे मम्मी किससे बात कर रही है, हमसे बात कर ले। ठीक है भाई। नमस्ते जी अंकिल। हेलो हेलो, घर पे इतना बड़ा झगड़ा हो गया, मतलब आप बात ही नहीं सुन रहे। तो हम जो हमारे पास फोन कर रही है, हो गया मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या झगड़ा हो गया? मम्मी कह रही पापा के साथ नहीं रहूंगी, क्योंकि पहले से उनकी एक पत्नी है जिनका नाम रानी है। तो पापा ने बोला, मैंने तो पहले ही बताया था।
अच्छा कि तुझे रानी की तरह रखूंगा। मम्मी को लगा रानी की तरह रखो, वो रानी की तरह रख रहे हैं, वो पहली बीवी है दूसरी, तो इसी बात में मम्मी बड़े गई। गलत मत ना बोल, मेरी बात सुनो। मेरा कल दोनों कान जल गया। अच्छा तो कान कैसे जल गया, मैं क्या ना प्रेस कर दे रहा था अपना जांघिया, अचानक फोन बज गया। अच्छा तो फोन की जगह मैंने इस्त्री उठा के कान पे रख लिया। अच्छा तो दोनों कान कैसे जल गया? नहीं फिर एक फोन लगाना था एम्बुलेंस को भी ना, कान जल गया इसके लिए। गलत मत ना बोल। अच्छा समझदार सबसे ज्यादा कौन होता है, डॉक्टर इंजीनियर या टीचर बताओ? इंजीनियर। गलत जवाब, सबसे ज्यादा समझदार टीचर होता है, लोग डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं। मैं टीचर बताऊं क्यों? एक बार सुनो, 10 इंजीनियर 5 डॉक्टर और एक टीचर हेलीकॉप्टर में जा रहे थे, उसमें वजन ज्यादा हो गया। पायलट ने बोला कि सब लोग रस्सी से लटक जाओ, है ना, तो वजन शायद कम हो जाए। सब लोग रस्सी से लटक गए। फिर पायलट ने बोला ना किसी को तो कूदना पड़ेगा, वरना प्लेन क्रैश हो जाएगा। फिर टीचर ने बोला कुर्बानी मैं दूंगा, क्योंकि हर वक्त टीचर कुर्बानी देता है। डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए भी टीचर कुर्बानी देता है, मेहनत करता है कि नहीं? बिल्कुल। फिर टीचर ने बोला मैं कुर्बानी दूंगा, बच्चों मेरी कुर्बानी पे बजाओ ताली। बजा दी ताली। डॉक्टर इंजीनियर ने बजा दी ताली रस्सी छोड़ के। कौन बचा? डॉक्टर इंजीनियर ने बजा। कौन समझदार है ज्यादा? अरे वाले। ए बस लगा रहा यार टीचर के लिए, बजाओ ताली। बस फोन काट दिया। दिन भर मुस्कुराओ और दिन से शुरू हो जाओ, मुस्कुराते रहो विद इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस। भाई वसीम भाई ने फोन करके बहुआ का टॉपिक दिया, कहते हैं बहुआ भाई एक बात समझ में नहीं आई, हमेशा लोग फोन उठा के पहले हेलो ही क्यों बोलते हैं? बहुआ ने इस बात पे क्या मजे लिए सुनिए। हेलो अंकिल नमस्ते। नमस्ते, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया, आप सुनाओ, आप कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कौन बहुआ? ये सब बताऊंगा लेकिन एक चीज ध्यान दिया आपने? नहीं, क्या? आपने फोन उठा के क्या बोला सबसे पहले? हेलो। करेक्ट। और उसके बाद जब मैंने पूछा और बताइए क्या हाल चाल है? बढ़िया। बढ़िया बोला, तो फोन उठा के हेलो क्यों बोल लेना है? सीधा फोन उठा के आपको खुद ही बोल देना चाहिए और सब बढ़िया। भाई ना जान ना पहचान, हेलो ही बोलूंगा। प्लीज मेरे लिए थोड़ा ना इस प्रैक्टिस को लोगों को बदलना चाहिए, फोन उठा के सीधा बोल लो और बढ़िया। अच्छा भाई तो काट के दोबारा कर, वापस लगा रहा हूँ एक सेकंड में। हेलो यार फिर से हेलो बोल रहे हो। अरे भूल गया यार मैं, सॉरी। ठीक है वापस मिला रहा हूँ, सीधा फोन उठा के क्या बोलना है? और बढ़िया तू बता। बहुत बढ़िया, वापस लगा रहा हूँ। और भाई बढ़िया? हाँ बढ़िया, धनिया कर दूंगा तेरे जीवन में, कब करवाएगा रिचार्ज मेरा? कौन बे? बे बे करके बात ना करे, बताओ सर कौन है? टर्मिनल पे खड़ा हूँ, जहाज भेज दूंगा घर पे। तेरी अच्छा ये सीखा तूने स्कूल में जा जाके? बढ़िया बढ़िया, तो ऐसे बोले तेरे जीजा हूँ मैं, तेरा बाप बोल रहा हूँ। बढ़िया। हेलो यार फिर आप हेलो बोल रहे? अरे तूने बोला फोन करूंगा मैंने, बढ़िया बोला तूने, पता नहीं किससे बात करा थी। मैंने जब आपको लगाया ना आपका वेटिंग पे आ रहा, किसी से बात करती रहती। तेरा ही फोन था खाली मेरे को। प्लीज मेरी खातिर एक बार और फोन उठा के सिर्फ बहुत बढ़िया बोलना आप, ठीक है? प्लीज। और भाई बढ़िया? ओ बढ़िया धनिया छल्ले, तेरे को समझ नहीं एक बार में? ओ के तू कौन है, बार बार फोन मिला देता, बार फोन मत कर, दिमाग खराब। बढ़िया तू कहाँ से सीख रहा है बढ़िया ये सब? हेलो यार फिर आपका फोन बिजी है, तेरी फोन मत मिला सारे, पता नहीं किसके से बात करा रहे। क्या हुआ पता नहीं किसके से बात करा रहे आपको, क्या इस आदमी का फोन आया था क्या? ओ बढ़िया धनिया तू से मेरी बात दोबारा फोन मत, तुम दोनों बढ़िया सी गंदा मत बोल और सब बढ़िया। फोन काट बस काट देखो Red FM Morning Number 1 रौनक के साथ Monday to Saturday सुबह 6 से 11 Super Hits 93.5 Red FM बजाते रहो। तो प्रतीक कह रहे थे रौनक भाई समझदार के लिए इशारा काफी होता है, उन्होंने सही बात है, कह रहे सही बात क्या है इस पे जरा बउआ बन के थोड़ा मस्ती करो ना, ये सुनिए। हेलो हेलो जी नमस्ते अंकल, कौन बोल रहा है?
सर दर्द हो रहा है। मैं पूछा कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहा हूँ जी। किस लिए फोन मिलाया? यार मुझे थोड़ी मदद चाहिए। किस तरह की मदद? इधर नजदीक में कहीं एक कप इशारा मिलेगा। इशारा? इशारा तो इशारा एक कप थोड़ी ना होता है, एक कप में थोड़ी ना होता है इशारा। आप समझ नहीं रहे हैं यार। पागल है क्या? वेटेड जी सर, क्या क्या लेंगे? क्या है आपके पास? आलू जी ने आलू कड़ाई, आलू रायता, आलू आलू सब आलू का है। सब आलू का है तो एक चाय लेना आलू वाला। आलू मार के सर जी। अरे पागल। हेलो एक सेकंड भाई साहब, आप रुकिए। वेटेड आपके पास इशारा होगा, एक कप ले आना। फ्लेवर फ्लेवर कौन सा चलेगा? फ्लेवर हाँ फ्लेवर। अरे ये वेटर बात कर रहा है, देखो उसे जरा बात करो। वेटर वेटर इन की बात करते हैं। वेटर ऑनलाइन इशारे का भी फ्लेवर होता है तुम्हारे दे देंगे। नहीं ये आपसे कह रही है, मुझे कहेंगे। अच्छा हेलो अंकल, आप उसको गंदा क्यों बोल रही है? सारा कपड़े कैसे आ जाएगा ये बता। अच्छा समझ रहा है इशारे का तू? अच्छी खाब टाइम आ गया कि मैं बता दूं आपको। दिमाग खराब कर रहा है आपके हिसाब से? मैं कैसा आदमी हूँ? नहीं मुझे लगता है मैं एक समझदार आदमी हूँ। वेरी राइट। क्यों? और एक कप इशारा चाहिए। हाँ? क्योंकि समझदार आदमी के लिए इशारा क्या होता है? काफी होता है। काफी होता है। तो सर ये बोलना था आप, आलू काफी भी है। अच्छा आलू हो समझ में नहीं आ रहा। इसलिए अगर मैं एक कप इशारा मांग रहा हूँ मतलब मैं एक कप कॉफी हूँ। कॉफी कॉफी मांग रहा हूँ। तुम वेटेड हूँ अंकल, आप कौन है? अरे मैं बेवकूफ हूँ, बात कर रहा हूँ। नहीं आप अपने आप को गंदा बोल रहे हैं। रखो मेरे दिमाग खराब। एक कप इशारा लेंगे आप? बोलिए मैं बनाता हूँ कप अपनी। स्मिता जी कह रही थी कि रौनक ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, तो इसी बात पे जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैंने क्या मस्ती करी है ये सुनते हैं। हेलो गरीब आदमी अंकिल, मैं बउआ बोल रही हूँ। कौन बउआ? मैं बउआ जी, आप मारना बन। अच्छा क्यों ना मारू? हेलो हेलो कटी देख नहीं रहे, मैं पूछी हूँ मार खा जाऊँ। अरे तो हेलो मेरी बात सुनिए, गंदा मत बोल रही। ये आदमी गरीब आदमी मुझे मार दिया है। क्यों मार रहे थे? क्यों मार रहे आप? इससे भाई साहब ऐसा नुकसान। क्या नुकसान? क्या नुकसान कर मैं बताऊँ? अरे कोई तो एक बोलो यार। हाँ मेरी सुनिए, मेरा जो 2 BHK वाला झोपड़ा है। 2 BHK वाला झोपड़ा? हेलो फोन रखे यार तू? फोन क्यों फोन नहीं रखे? झोपड़े 2 BHK का नहीं हो सकता। तू चुप बैठ बउआ, कुछ नहीं हो शादी। तो मेरे छोटे छोटे बच्चों के घर में जो छत थी वो नहीं रही, हम सब बिना छत के हो गए। छत कहाँ गई? कहाँ गई छत? इसके घर की छत मैंने उजाड़ दी। भला हो सके एक सेकेंड? ऊपर वाले जब भी देता है कैसे देता है? छप्पर फाड़ के देता है। तो मैंने सोचा कि ऊपर वाले का काम क्यों ना थोड़ा कम कर दिया जाए। कैसे कम कर? सिंपल अंकिल, ऊपर वाले देने से पहले छप्पर फाड़ के टाइम वेस्ट क्यों करेगा? मैं छप्पर फाड़ देता हूँ, ऊपर वाले डायरेक्टली दे दे। है कि नहीं? हेलो तुम चाहते थे मेरे साथ हो? बताओ मैंने कुछ गलत किया अंकिल? ये गरीब आदमी से बात कर रहा हूँ। गरीब आदमी स्पीकिंग। साले इसने तेरा छप्पर फाड़ा है ना? यस। तो एक छप्पर ले और इसकी फाड़ दे। स्लो मोशन में। ओके यार, लेकिन मैंने छप्पर फाड़ा कैसे? पता है अबे तेरी अमित कह रहे थे रौनक भाई, अगर बउआ हेयर स्टाइलिस्ट बन जाए तो अपने सलून में क्या माहौल जमाएगा, जरा इस पे कुछ सुनिए आप। हेलो देखिए मैंने अपना सलून खोला, मैं हेयर स्टाइलिस्ट बउआ बोल रहा हूँ। तो किसको फोन मिला है बता तो सही। किस? देखिए मैं जो पहले ग्राहक आए हैं मेरी दुकान की वो होनी हो रही है, लेकिन छोटा सा गड़बड़ हो गया। ऐसी सर्विस देते हैं अब कौन? नहीं देखिए आपने क्या कहा था, म्यूजिक एंड हेयर कटिंग टुगेदर। हेलो हेलो भाई साहब सुनो, क्या हुआ कि मैं इनका बाल काट गया था और अचानक गाना रुक गया। अब तो फिर क्या हो गया? दोबारा चला दे, दोबारा चला दो। एक सुनिए वापस दोबारा चला दो। यो आप काटिए। हाँ काटो। हाँ काट दो। हाँ ऐसा होता है सब। देखो गाना रुक गया। अंक अंक बात है।
हेलो आप फोन काट देंगे। अबे साले तू बाल काट ले, मैं फोन काट लूँ। अबे मैं कह रहा हूँ मेरा सीडी प्लेयर खराब होगा, गाना बीच में रुक जाएगा। ले ले सीडी प्लेयर को चलने लगे। ये कस्टमर गुस्सा कर दिया है। सही देखिए, बाल कटने के समय इन्होंने कहा था म्यूजिक इज अ कॉम्बो। अच्छा कॉम्बो ले, चलिए म्यूजिक यहाँ पे रुक जाए। कस्टमर इज किंग, ये तो बात ही नहीं हुई थी। कस्टमर क्या आप कह रहे कस्टमर डिस? अबे कस्टमर इज आप मेरे काम करो, मशीन मारो यार, खत्म करो मशीन मारो। अबे यार आ तू बाहर से भाई मार। एक सेकंड, 3 2 1 ये यार है। अबे क्या कर दिया तूने उसको? मशीन मारने को बोल दिया मार। अबे मैं मशीन चला दे मार ने बल के सर पे थोड़ी मार। चला नहीं है ये मशीन, चला दो 3 2 1 कस्टमर डिश क्या? हेलो राहुल फोन करके कह रहे थे रौनक भाई, अगर कोई स्टूडेंट है और पढ़ना चाहता है और उसके पास पैसे नहीं है तो दिल्ली वाले उसकी मदद जरूर करते हैं। अब इसी को बउआ ने क्या किया सुनते हैं।